तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हमने फॉर्मेटिंग की बहुत सारे टैप्स पढ़े, तो उसमें क्या था कि आपने किसी भी एरिया पे क्लिक किया और यहां से आपने इसकी फॉर्मेट कर, तो एरिया को सिलेक्ट करना है और यहां से फॉर्मेटिंग कर देनी है। तो जब हम फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने वाले फीचर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है कि डी कॉलन में क्या है, यहाँ फॉर्मेट हो रही वैल्यू क्या है या क्या होने पे भी क्या हो, क्योंकि वैल्यू चेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें जो हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू माई वैल्यू, जैसे कि आप लोग जब बुक पढ़ते थे तो कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगती थी तो उसको आप लोग हाईलाइट कर देते थे, हाईलाइटर्स। या फिर बहुत सारे सीए हैं जो, या फिर जो लोग ऑडिट करते हैं, शायद आपने भी किया होगा, तो जहां आपको प्रॉब्लम मिलती है आप हाईलाइटर देते हैं, उससे हाईलाइट कर देते हैं। तो हाईलाइट क्यों करते हैं, रीजन क्या है हाईलाइट करने का? तो हाईलाइट करने के पीछे रीजन ये है कि जब हम दोबारा उस रिपोर्ट को या उस बुक को देखें तो हमें आंखों के सामने सबसे पहले मेरा वो हाईलाइट किया हुआ फिगर दिखे, हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट दिखे, इसके अलावा और कुछ न दिखे, बाद में दिखे, मतलब ध्यान सबसे पहले उसी के ऊपर जाए। तो मान लीजिए कि मेरा एक क्वांटिटी सेल्स की है और हमारी कंपनी कहती है कि ग्रेटर देन 50 आर गुड सेल, तो मैं चाहता हूँ जो जो 50 से ज्यादा की सेल है उसको हाईलाइट कर दूं, ताकि मैं रिपोर्ट देखूं तो मुझे 50 से ऊपर वाले सेल्स पे ही ध्यान जाए सबसे पहले और उसके नीचे पे ना जाए। तो मैनुअली एक-एक करके हाईलाइट करना बड़ी डिफिकल्ट होगी, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम डी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, हाईलाइट पे जाते हैं और यहाँ अब मेरे पास ऑप्शंस है, जैसे कि ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया और यहां पे लिखा 60 और यहां हमने अपना ले लिया कि भाई रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, बाकी चीज ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा कस्टम फॉर्मेट भी है, तो यहां से बने बनाए टॉपिक से आप देखिए हमने क्लिक किया आपका हाईलाइट हो गया। तो यहाँ जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग आपके अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड है और यहाँ आपकी वैल्यू है, तो मैं वैल्यू को 60 के जगह पे 50 कर देता हूं और यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर लेते हैं, एंड ओके एंड ओके। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो था वो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर से होगा और हाईलाइट ही नहीं हुआ है ये मेंटेन रखेगा। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ 59 है, कल के डेट में अगर ए 35 हो गया तो कलर हट जाएगा, और यहां जहां पे मान लीजिए कि 25 या 16 है, अगर 61 हो गया तो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ए जो है आपका ये मेंटेन रखता है हाईलाइटर। तो इसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं। ग्रेटर देन मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेस देन किसी नंबर से कम छोटे को हाईलाइट करना चाहते हैं, और यहाँ पे कंडीशन सब में सेम होता है कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग चूज करें। बिटवीन दो नंबर की बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, और तीसरा आता है आपका इक्वल टू, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू से हमारे 35 को हाईलाइट करना है तो 35 ही आपका हाईलाइट होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन तीनों में आप नंबर, डेट, टाइम डाल सकते हैं, इसमें आप किसी तरह का टेक्स्ट को नहीं डाल सकते। ग्रेटर देन पूजा नहीं कर सकते या ग्रेटर देन लेस देन ओम नहीं कर सकते। हाँ डेट डाल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई डेट है, मान लीजिए मुझे 11 तारीख की बाद की डेट चाहिए, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ ग्रेटर देन 11 5 लिखूं, लेकिन नहीं, 5 नहीं, माफ कीजिए, जैन है ना, हाँ जैन, राइट हो गया। तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं।
और इक्वल टू होती है एग्जैक्ट सेम वैल्यू, कुछ भी, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, या मान लीजिए कि मुझे 10 तारीख को हाईलाइट करना है तो आप इसको डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, समझे? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं सर। तो ये हमारा इक्वल टू आता है, पर इक्वल टू में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इक्वल टू में अगर आपका डेटा बिल्कुल सेम नहीं हुआ तो सेम फॉर्मेट में नहीं रहा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूजा है और नीचे यहां भी पूजा है, बट यहाँ पे पूजा सिंह है। अब क्या है कि दोनों एक ही है, पूजा पूजा सिंह एक ही, यहाँ पे किसी ने सिर्फ पूजा ही टाइप कर दिया, यहाँ पे फुल नेम टाइप किया हुआ है, जैसे कि दिल्ली और न्यू दिल्ली बहुत ज्यादा सेम, क्या मुंबई नवी मुंबई, मुंबई का ही पार्ट है ना सर। तो यहां हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब इसमें क्या है कि इसे मैंने यहाँ पे पूजा लिखा, तो इसने चेक किया कि पूजा कहाँ कहाँ है, चाहे वो सिंगल में हो, चाहे वो किसी वर्ड के साथ हो, बीच में हो, साइड में हो, कहीं भी हो, वो पूजा अगर है तो सेल हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह तो वही है जो आप नॉर्मली लेते हैं, से उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हो, सब में सेम है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस कर लीजिएगा। अब यहां जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ए डेट ऑकरिंग, ए डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग क्या, जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, मैं मार्च का डेट डालता हूं, मार्च का मैं डाल दिया। अब मान लीजिए मुझे करेंट सिस्टम डेट को, जो करेंट सिस्टम डेट है उसको हाईलाइट करना है, तो ये डेट ऑकरिंग अगर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि आप अगर करेंट सिस्टम डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं या नेक्स्ट वीक को या प्रीवियस वीक को, तो यहां आप इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन भी दे सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे कि आज अगर 28 तारीख है, तो यहाँ पे हमने दे दिया 28/03, तो आप देखिए 28 तारीख हाईलाइट हो। Okay. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पे डेट ऑकरिंग का यूज करेंगे। डेट ऑकरिंग आपके सिस्टम लिस्ट सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है, तो मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया टुडे, तो देखें टुडे आ गई, तो हर दिन टुडे को ही हाईलाइट करेगी, अनदर डे को हाईलाइट नहीं करेगी। तो हर दिन, जैसे अभी 28 तारीख है तो 28 तारीख को हाईलाइट करिए, कल मैं अगर इस फाइल को ओपन करूंगा तो कल 29 को हाईलाइट करिए, क्योंकि सिस्टम का डेट 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे और क्या क्या है, टुमारो द लास्ट 7 days, दिस वीक लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ दिस मंथ लास्ट मंथ, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम डेट से कनेक्ट होके आपको हाईलाइट करता रहेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स में आपका ये डेट ऑकरिंग है। हम डुप्लीकेट वैल्यू को देखते हैं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके सिलेक्टेड फील्ड में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम रिपीट हो रही है, तो आप यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और आप चाहते हैं कि जैसे अकाउंट नंबर कोई भी अगर मोर देन वन हाईलाइट करे तो क्या हो, वो हाईलाइट हो जाए। तो यहां पे हम डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहां आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहां पे 1 को 2 बार लिखा, आपका दोनों हाईलाइट हो गया, 3 बार लिखा तो तीनों हाईलाइट हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये चीज का यूज हुआ, दैट किसमें, डुप्लीकेट वैल्यू।
तो आप लोगों को क्लियर है ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टैक्स देयर कंटेंट डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं नहीं सर ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले से लगी हुई सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सिलेक्टेड मतलब कि आपने एक एरिया सिलेक्ट करके उस पर हटाना है तो सिलेक्टेड सेल, और एंटायर शीट का हटाना है क्योंकि शीट वन में जहां जहां भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई है सारे रिमूव हो जाए, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप फाइव को हाईलाइट करना है कि हाईएस्ट टॉप फाइव की वैल्यू कौन सी है, तो टॉप बॉटम में टॉप टेन आइटम पे क्लिक करेंगे। अब टॉप टेन से यहाँ पे मैं टॉप फाइव कर दूंगा तो टॉप फाइव अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे नीचे, तो आपको नीचे दिखेगा कि जो फाइव वैल्यू है, देखिए 85 को हाईलाइट कर दिया, 87, 89, 89, 85 देखा आपने, तो टॉपर किसने हाईलाइट कर दिया। उसी तरीके से मुझे अगर बॉटम्स को हाईलाइट करना है बॉटम 10 को, तो बॉटम 10 अब 10 के जगह पे आप 5 कर ले, 3 कर ले, 2 कर ले, तो दोनों का इस्तेमाल करता है आप, तो टॉप बॉटम में टॉप 10 एंड बॉटम 10। अब बोलोगे सर आपने टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो ये टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज काम करता है परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक बार परसेंटाइल फॉर्मूला आपको समझाना होगा, तो वो हम समझाएंगे आपको आपकी फॉर्मूले की क्लास में। अब यहां पे है अबव एवरेज, अब देखिए जो भी सिलेक्टेड सेल है उसका यहां पे एवरेज है, एवरेज देखेंगे तो क्या है 52। तो अगर मैं यहां पे अबव एवरेज करता हूं तो अबव एवरेज से ऊपर हाईलाइट हो जाए। अबव एवरेज करेंगे क्यों, रिक्वायरमेंट क्यों होती है, रिक्वायरमेंट होने के पीछे रीजन ये होता है कि क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए कि आपका सेल्स टीम है, सेल्स का डेटा आया, आपके बॉस ने बोला कि यार जो अच्छा अच्छा सेल किया है उसका लिस्ट दे दो, तो कौन सा अच्छा सेल किया है कैसे पता चलेगा, अगर एक बेंच मार्क हाँ कि 90 वाले अच्छे सेल है, 80 वाले अच्छे सेल है, 20 वाले अच्छे सेल है, कि 90 से ऊपर अच्छे सेल है, 50 से ऊपर अच्छे सेल है, तो यू कैन आप कर सकते हैं कि भाई उससे ऊपर को हाईलाइट कर दे या फिर उससे ऊपर को फिल्टर करके आप ले जा सकते हैं। बट अगर कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है तब क्या, समझे? हेलो यस सर। तो उस केस में हम लोग एवरेज का यूज करते हैं कि एवरेज से ऊपर अच्छा सेल किया है, एवरेज से नीचे बिलो सेल किया, तो जब मैं अबव एवरेज रखूंगा तो ये मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा एवरेज चेंज होगा, जैसे एवरेज चेंज होगा ये अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहे हैं अबव एवरेज, और उसी तरह से आपका बिलो एवरेज जो कि एवरेज से जो नीचे है उसको लेके जाता है 52 से कम करेगा। अब बात करते हैं डेटा बॉक्स की, अब मुझे इसका पोजीशन देखना है कि कौन सा हायर सेल किया है कौन सा लोअर सेल किया है, ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी ना सर, तो ये क्या करेगा एक बार चार्ट का एक लुक दे देगा और आपको बता देगा कि पूरे सेल का क्या पोजीशन है, मतलब पूरे डेटा में पर्टिकुलर सेल का क्या पोजीशन है, समझे? अगर मैं इसको अलग एक सेल पे करके दिखाऊं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे डेटा डाला, तो आप देखेंगे एक मिनट में थोड़ा सा, कि जैसे जैसे नंबर चेंज होगा ना, आप देखिए जैसे जैसे नंबर चेंज हो रहा है हमारा बार भी साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका यूज हम लोग जो है डैशबोर्ड वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सब सेम ही है बस अलग अलग डिजाइन एंड कलर है। सेम यहाँ कलर स्केल की बात करें तो आप देखें यहाँ पे सेम आपका वही है कि जो हाईएस्ट नंबर को अलग कलर कर रहा है, मिडल्स को अलग कलर कर रहा है एंड लोएस्ट को अलग कलर कर रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, फिर भी आपको कंफ्यूजन लगा वो क्लियरली समझाना है तो यहाँ आपके सामने आइकन्स है कि लोअर मिडल अपर,
क्लियर समझा दिया, समझे? अलग अलग इस शेप में कलर में समझाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल एंड आइकन सेट, ये मोस्ट यूज्ड कमांड है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, मोर रूल्स और न्यू रूल्स, लेकिन ये चीजें आपको तभी बेनिफिट करेगी जब आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर ले। तो आप एक बार सारे ऑप्शंस को अपने डेटा में अप्लाई कर उसकी इफेक्ट को समझें। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।